वजन आप ले, करेक्ट, ये दबाव झेल रहा है लेकिन ये खुलने नहीं देगा जब तक आप आदेश निकालोगे 40 गिरेंगे नहीं। इंटरनल स्पिस्टर क्या होती है, ये इनवॉल्ट्री होती है, ये अपना काम करती रहती है, खुलती जाएगी लेकिन ये वेट करेगी किसका, एक्सटर्नल व्यक्ति का, ठीक है जी। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, आर्टरी सप्लाई अबव पेक्टेट लाइन सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, बिलो पेक्टेट लाइन इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। पेक्टेट लाइन से ऊपर कौन सी, सुपीरियर आर्टरी। पेक्टेट लाइन क्या होती है, क्या होती है पेक्टेट लाइन, बताओ साहब जी। एक इमेजिनरी लाइन है जो आपको अपर 15 mm से नीचे मिडिल 15 mm के बीच में दिखती है। कैसे, जब गुदा मार्ग डालते हैं उंगली, उंगली जो टच कर रही हो ऊपर का 15 mm, उंगली जहां मोड़ दो वो मिडिल 15 mm, इनके बीच में होती है पैकेट लाइन। पैकेट लाइन का मतलब जहां पर पानी गिरता है, शेड आता है, जो उसकी चिकनाई को मेंटेन करता है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर क्या होती है, सुपीरियर क्लाइट, यानी कि ये जो मस्से बनते हैं इंटरफाइल्स वो इसकी वजह से बनते हैं। जो बाहरी मस्से बने, हिमोटोमा बना, सेंट्रल टैग बना या सेंट्रल पाइल्स बना, वो इसकी वजह से बन सकते हैं। समझ आ गई था, तो दोनों अलग अलग आर्टरीज है इसलिए दोनों की स्ट्रेस अलग अलग है, दोनों का कार्यशैली। कोई कह जी साहब ऐसा है हमने तो अंदर के मस्से बन गई उसे बाहर की टीम बनाएंगे क्या, दोनों के साथ कोई कह जी तो बाहर के मस्से बन गए तो अंदर की टीम बनाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग बोथ आर सेपरेट। संज्ञा ये उसी प्रकार इस हाथ में प्लास्टर बांधो तो ये हड्डी उगेगी, ये उसी प्रकार। नेक्स्ट स्लाइड,